Dear friends, I, Dr. Sachin Goswami, welcome you on my YouTube channel, Dr. Sachin Goswami's English Classes. दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे महेश दत्तानी का लिखा हुआ फेमस नाटक तारा. दोस्तों, ये जो नाटक है तारा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से इसके कैरेक्टर्स हैं और क्या इसकी थीम है. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं तारा के कैरेक्टर्स को कि कौन कौन से कैरेक्टर्स तारा इस नाटक में आते हैं. सबसे पहला करैक्टर हमारा आता है तारा का. तारा, जिसको ट्विंकल तारा के नाम से भी जाना जाता है, तारा इस कहानी की प्रोटैगोनिस्ट है. ये मुख्य किरदार है. ये चंदन की बहन है और भारती और पटेल की बेटी है. दूसरा करैक्टर आता है चंदन का. चंदन, जो कि अब आधुनिक रूप में डैन बन चुका है. चंदन जब बड़ा हुआ, ओल्डर चंदन हुआ, तो वो डैन के नाम से मशहूर हुआ. एक राइटर बन गया डैन के नाम से. फिर करैक्टर आता है भारती का. भारती तारा और चंदन की माँ है और भारती कर्नाटका को बिलोंग करती है. पटेल, जो तारा और चंदन का फादर है, ये गुजराती है. दोस्तों, ये जो भारती और पटेल थे, इन दोनों की लव मैरिज हुई थी और इनके कल्चरल डिफरेंसेस थे, रीजनल डिफरेंसेस थे. रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस होने की वजह से इनकी जो मैरिड लाइफ रही, वो भी आप कह सकते हैं कि एक अच्छी लाइफ नहीं थी, क्योंकि आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे. आप इनका आपसी सहमति नहीं बनती थी किसी भी बात को लेकर. नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है डॉक्टर ठक्कर. डॉक्टर ठक्कर, ये वो डॉक्टर हैं जो तारा और चंदन का ऑपरेशन करते हैं. जैसे कि हम जानते हैं, ये साइमिस चिल्ड्रन होते हैं, साइमिस ट्विन होते हैं चंदन और तारा. ये आपस में जुड़े हुए बच्चे थे. जो किस प्रकार से जुड़े हुए थे, जिनकी तीन टांगें थीं, जिनमें से एक टांग दोनों के शरीर में आ रही थी. और ये जो टांग थी, ये एक्चुअली इसका जो ब्लड फ्लो हो रहा था, वो तारा के शरीर से हो रहा था, तो तारा के लिए ज़्यादा सूटेबल थी. अब इस कहानी में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो तीसरी टांग होती है, ये किसको दी जाती है. नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा आता है भारती के फादर का. भारती के जो फादर हैं, वो एक अमीर राजनेता हैं और उनका इस नाटक पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है. किसके ऊपर? डोमिनेटेड पर्सनैलिटी हैं वो. भारती और पटेल के ऊपर बहुत ज़्यादा एक दबाव बना कर रखते हैं, प्रेशर बना कर रखते हैं. इसके अलावा रूपा एक पड़ोसी लड़की है. ये तारा की फ्रेंड है. हम एक्चुअल में इसे फ्रेंड कह भी सकते हैं और नहीं भी. क्यों? क्योंकि जो भारती है ना, भारती रूपा को लालच देती है. वो उसको बहुत सारे साधन देती है, कॉस्मेटिक्स आइटम्स देती है, जिससे वो उसकी फ्रेंड बन जाए. क्योंकि भारती चाहती है कि तारा के साथ कोई ना कोई खेलने वाला हो, क्योंकि उसके विकलांग होने की वजह से उसके साथ कोई भी खेलने वाला नहीं था. तो इस वजह से वो ऐसा चाहती है कि उसके साथ कोई खेले. दोस्तों, इस जो नाटक है, इस नाटक की जो सेटिंग है, वो मुंबई में रखी गई है. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस नाटक को, तारा को. तारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दो साइमिस ट्विन चिल्ड्रन की कहानी है. दो बच्चों की कहानी है, तारा और चंदन की कहानी है. चंदन, जो कि आगे चल के डैन के नाम से मशहूर होता है, ये उनकी कहानी है. कहानी स्टार्ट होती है डैन के साथ. डैन, जो कि अब बड़ा हो चुका है चंदन. चंदन बड़ा होकर डैन बन गया है और वो एक फेमस राइटर है और वो लंदन में है. वो अपना एक जो नाटक है, उस पर काम कर रहा है और उसने उस अपने वर्क को नाम दिया है ट्विंकल तारा. तो इस नाटक में वो कहानी लिखना चाहता है अपनी बहन तारा की कहानी, उसके साथ जो उसके एक्सपीरियंस रहे, अनुभव रहे, और जो उस समय परिवार की स्थितियाँ रहीं, परिस्थितियाँ रहीं, उनके बारे में वो लिखना चाहता है डैन. तो यहाँ पर जब वो लिख रहा होता है, तो वो ख्यालों में पहुँच जाता है. फ्लैशबैक, दोस्तों, उसे कहते हैं कि कभी तो हम अपने प्रेजेंट में आ जाते हैं और कभी हम अपने पास्ट में पहुँच जाते हैं. तो वो फ्लैशबैक टेक्निक होती है और महेश दत्तानी ने इस टेक्निक का बहुत ही अच्छी तरह से इसमें प्रयोग किया है. दोस्तों, इस नाटक में एक और दूसरी चीज़, आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलेगा. एक तो मैंने आपको बताया कल्चरल डिफरेंसेस, रीजनल डिफरेंसेस, और इसके अलावा जो मेन सोर्स है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. जो लिंग भेदभाव होता है, वो भी हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से तारा और चंदन दोनों को लेकर परिवार में भेदभाव किया जाता है. और ऐसा, जैसे कि हम समाज में कहते हैं हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में आगे बढ़ पाए हैं?
हम आज भी एडवांस नहीं हो पाए हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि नारी को सभी हक मिलने चाहिए, स्त्रियों को समानता दी जानी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने परिवार में ही लड़के और लड़की के बीच में भेदभाव करते हैं। ऐसी ही एक कहानी ये तारा की कहानी है, किस प्रकार से उसके साथ परिवार में भेदभाव किया जाता है ये आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। तो चंदन जो डैन है वो सोचता है अपने पास्ट के बारे में और पहुँच जाता है अपने पुराने समय में। ये जो चंदन और तारा थे, जब इनका जन्म हुआ था तो ये साइमिस चिल्ड्रन हुए थे, ये जुड़े हुए बच्चे थे, जुड़वा बच्चे थे। जब बच्चे जुड़े हुए थे तो उस समय घर में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई, भाई बच्चे जुड़वा पैदा हुए हैं और जुड़वा भी कैसे, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, साइमिस है। अब उनमें प्रॉब्लम क्या थी, इनमें तीन टांगें थीं और एक टांग दोनों के शरीर को जुड़ी हुई थी। अब प्रश्न ये उठता था कि ये टांग जो है, अगर जो ऑपरेशन भी कराया जाए तो ये किसको दी जाए। तो इसके लिए ये सजेस्ट करते हैं, इनके ही एक फैमिली डॉक्टर होते हैं जिनका नाम है डॉक्टर ठक्कर। डॉक्टर ठक्कर जो है उनको सजेस्ट किया जाता है कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसे में क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर ठक्कर जो है उसको एग्जामिन करते हैं और जब वो देखते हैं कि ये जो टांग है ये तारा के लिए सुटेबल है, क्योंकि इसका जो ब्लड का फ्लो है वो तारा के शरीर में सही प्रकार से जा रहा है, तो उनको लगता है कि ये जो टांग है ये तारा को ही दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अलग अलग डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। देखने को किस प्रकार से मिलते हैं, सबसे पहले जो ये भारती के फादर है, तारा की जो मदर है भारती, भारती के फादर का पूरा डोमिनेटेड पर्सनैलिटी रही है और वो भारती के फादर कहते हैं कि ऑपरेशन के लिए पैसे मैं पूरे देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, पटेल से कहते हैं पैसे मैं खर्च करूँगा, लेकिन ये जो टांग है ये लड़के को ही मिलनी चाहिए क्योंकि लड़का जो है वो हमारे इस वंश को आगे बढ़ाएगा और तुम्हारे इसका जनरेशन का नाम करेगा। और लड़की का क्या है, तो वो ये कहते हैं कि लड़की तो दूसरे घर में चली जानी है और इसी वजह से वो कहते हैं कि ये जो टांग है उसको मिलनी चाहिए। उधर पटेल जो है इनकी बातों का समर्थन करता है, भारती भी यहाँ पर जो है इस बात का समर्थन करती है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि किस प्रकार से लिंग भेदभाव यहाँ पर किया जा रहा है, कि किस प्रकार से लड़के और लड़की के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है। बल्कि ये होना चाहिए था, एक सटीक आंसर ये होना चाहिए था, भारती ने एक बार को कहा भी था कि ये जो है टांग उसको मिल जानी चाहिए, मतलब तारा को ही दे देनी चाहिए, लेकिन फिर पटेल ने उसकी नहीं सुनी और दोनों में आपस में इस बात को लेकर थोड़ा सा एक हॉट एक्सचेंज हुआ, लेकिन बाद में सहमति से डिसीजन ये हुआ कि ये जो टांग है ये तारा को ही दी जानी चाहिए। जबकि डॉक्टर ठक्कर ने ये कहा कि ब्लड का फ्लो जो है वो तारा की बॉडी से जा रहा है, प्रॉपर है, उसकी टांग में जा रहा है, तो ये टांग तारा की होगी। और अगर जो चंदन को ये टांग दी गई तो ये टांग जो है ये जो है कारगर भी हो सकती है, मतलब ये सुटेबल भी हो सकती है उसके लिए और नहीं भी हो सकती है, ये रिस्की थिंग थी। लेकिन उसके बाद भी डिसीजन यही लिया गया कि ये टांग चंदन को दी जाए। तो यहाँ पर किस प्रकार से लिंग भेदभाव हमें इस नाटक में देखने को मिला। अब क्या होता है, उसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है। डॉक्टर ठक्कर का फिर इसके बाद इंटरव्यू भी होता है, डॉक्टर ठक्कर अपने इंटरव्यू में इस बारे में बताते हैं, कहते हैं कि परिवार का ऑपरेशन मिला, लेकिन वो इस बात का भी खुलासा यहाँ पर करते हैं कि किस प्रकार से ये यहाँ पर उनको इस चीज़ के लिए विवश भी किया गया, किस प्रकार से वो जो टांग थी वो सुटेबल वैसे तारा के लिए ही थी। अब आगे कहानी बढ़ती है दोस्तों, इसी बीच में जो ये दोनों हैं ये बड़े होने लगते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो चंदन है, चंदन को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में यहाँ पर एडमिशन दिलाया जाता है, उसको अच्छी स्टडी कराई जा रही है, बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उधर दूसरी तरफ भारती का जो रवैया है तारा को लेकर वो बदला हुआ होता है, पटेल का रवैया भी उसके लेकर बिल्कुल अलग है। वो ये कहते हैं कि एक जो लड़की है, लड़की को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए, ये अच्छे स्कूल में पढ़कर क्या करेगी, प्राइवेट एजुकेशन लेकर ये क्या करेगी। तो उसको बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है चंदन को एक तरफ, और भारती को उसको सॉरी तारा को जो है सही प्रकार से शिक्षा नहीं दी जाती है। अब क्या होता है इसके पश्चात में, अब ये दोनों ग्रो अप करते हैं। ग्रो अप जब होते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि रूपा जो है, रूपा का को केवल मन बहलाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं रियलाइज़ होने लगा है, यहाँ पर भारती को रियलाइज़ ये होने लगा है कि
कि जो तारा है तारा के साथ उसने एक अन्याय किया है, क्योंकि जो टांग तारा को मिलनी चाहिए थी वो टांग उसको नहीं मिल पाई थी। जब उसकी तबीयत खराब होती है ना तारा की, तो तब उसको ये चीज़ें लगने लगती हैं। तो वो रूपा को बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम्स देती है, ऑफर करती है, और वो कहती है कि तुम थोड़ा सा समय इसके साथ व्यतीत किया करो, और इसको ये नहीं लगना चाहिए कि तुम एक दबाव में आकर इसके साथ रह रही हो, एक दोस्त की तरह तुम उसके साथ अब यहाँ पर टाइम स्पेंड करो। तो इस प्रकार से भारती उसको वो करती है। अब आगे क्या होता है, आगे हमें पता चलता है कि इसकी तबीयत खराब होने लगती है तारा की, और तारा की किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है। तारा को एक किडनी की आवश्यकता होती है। तारा को जब किडनी की आवश्यकता होती है तो घर में बहुत सारी बातें चलती हैं, अब किडनी कहाँ से आए, कौन किडनी दे, और घर का ही कोई मेंबर सबसे पहले पूछा जाता है कि घर में कोई भी मेंबर दे सकता है। तो यहाँ पर भारती आगे आती है केवल और केवल इस चीज़ के लिए, क्योंकि उसको वो अंदर गिल्ट फील कर रही थी कि उसने उसके साथ गलत किया है, उसने उसके साथ इनजस्टिस किया है, उसने उसके साथ एक अन्याय किया है। तो उस अन्याय के लिए वो ये उस अन्याय को मिटाने के लिए वो यहाँ पर अपनी किडनी को यहाँ पर कोशिश करती कि वो अपनी किडनी देगी। लेकिन फाइनली किडनी का अरेंजमेंट हो जाता है, लेकिन आगे चलकर हमें पता चलता है कि जो तारा है वो अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाती है, और तारा की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों तारा की मृत्यु हो जाती है, और कुछ समय पश्चात जो भारती है भारती की भी मृत्यु हो जाती है। उधर डैन जो है, डैन इन सभी बातों को अपने एक साहित्यिक रूप दे रहा था, वो इन सभी बातों को लिख रहा था, अपने एक लेखन कार्य में उसको इस्तेमाल कर रहा था। जो डैन होता है, डैन कौन है, चंदन ही है। अब इसी बीच में क्या होता है, यहाँ पर जब वो ये सब कुछ सोचता है, इन चीज़ों के बारे में सोचता है, तो उसका दिल जो है ना बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। और लेकिन यहाँ पर हमें एक अलग पिक्चर देखने को और मिलती है। अब बात आती है कि वहाँ पर मुंबई में पटेल रह रहा होता है, वहाँ पर पटेल से उसको निमंत्रण आता है कि वो वहाँ पर उसके पास आ जाए, डैन चंदन जो है वो उसके पास आ जाए। लेकिन चंदन ये जवाब देता है कि अगर जो आपको मेरे साथ रहना है तो आप ही लंदन आ जाइए, मैं मुंबई नहीं आ सकता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ लैक ऑफ लव, लैक ऑफ फैमिली लव भी हमें देखने को मिलता है। कारण क्या हो सकता है, कारण ये भी हो सकता है कि चंदन शायद आज भी खफा है, चंदन अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाया है, चंदन जो है भारती के साथ साथ खुद को भी माफ़ नहीं कर पाया है, और उधर शायद वो अपने पिता पटेल को भी माफ़ नहीं कर पाया है। तो इन सभी जो तथ्य हैं ये सारे कहानी में एक साथ चलते हैं, और इस तरह से वो एक कहानी लिखता है जिसका नाम होता है ट्विंकल तारा, जो कि उसकी बहन की कहानी थी। एक शाइनिंग स्टार के रूप में उसने अपनी बहन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो दोस्तों ये थी कहानी तारा, जो कि महेश दत्तानी की लिखी हुई है, जिसमें यहाँ पर दिखाया गया है इनजस्टिस को, दिखाया गया है यहाँ पर रीजनल डिस्क्रिमिनेशन को, दिखाया गया है यहाँ पर जो कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाया गया है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा बिंदु जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लिंग भेदभाव को दर्शाया गया है, कि किस प्रकार से समाज में लड़के और लड़की के बीच में भेदभाव किया जाता है, लड़के और लड़की के बीच में अंतर किया जाता है, किस प्रकार से घर में तारा को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। अगर जो तारा को वो टांग दी जाती तो शायद तारा जो है वो आज मृत्यु को प्राप्त ना होती, आज उसकी डेथ ना होती। तो ये कहानी में एक मैसेज दिया गया है कि हमें इस भेदभाव को भी त्यागना होगा, जो ये समाज में लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव होता है इसको ख़त्म करना होगा। तो दोस्तों ये थी कहानी तारा, महेश दत्तानी के द्वारा लिखी हुई एंड एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर सचिन गोस्वामी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट हापुड़।